Press the bell icon to never miss a video from testbook.com. गुड मॉर्निंग रॉक स्टार्स, कैसे हैं आप लोग? और मैं आपका एजुकेटर जितेंद्र मिश्रा आपके साथ, और फिर से हम करंट अफेयर्स में मिल गए हैं और फिर से धमाल मचाएंगे। तो गाइस, हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे अपने मोटिवेशनल कोट के साथ, जो ये रहा आपके स्क्रीन पर। भूलिएगा नहीं, आज एमसीक्यूज भी है, और शाम को 5 बजे आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर एमसीक्यूज की बात करेंगे, जहां पर आपको शाम को आना भी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना मोटिवेशनल कोट, जो यहां पर आप देख पा रहे हैं। वेयर देयर इज नो स्ट्रगल देयर इज नो स्ट्रेंथ। यहां पर बात समझने वाली यह है कि देखिए, एग्जाम के लेवल जितने भी टफ होते जा रहे हैं, ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप अपना बेस्ट निकालते हो दैट टाइम पर, जब क्या होता है कि आपको पता है कि प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। तो प्रॉब्लम्स लाइफ में आनी चाहिए, और ये प्रॉब्लम्स हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। तो प्रॉब्लम से डरिए मत, प्रॉब्लम को फेस करिए, बिकॉज इससे एक एक्सपीरियंस आपके लाइफ में और ऐड हो जाएगा। मे बी आप अभी छोटे हैं, मुझसे छोटे हैं एज में, जैसे जैसे आप अपने लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको बहुत कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, और ये बदलाव खुद करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके लिए सही क्या और गलत क्या है। लाइफ है, चलती रहेगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है, बिकॉज आप रॉक स्टार्स हैं। शुरू करते हैं आज की अपनी पहली स्लाइड, और पहली स्लाइड में हम देख रहे हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है आज। तो आज हमें इतने पॉइंट कवर करने हैं जो हम कवर करेंगे अपने शो में। ये हमारे शो की खासियत है कि हम आपको पूरे पॉइंट पढ़ाते हैं, और फिर आपको मंडे को हम रिवीजन भी कराते हैं, और उस रिवीजन में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलते हैं। यानी हम कोशिश करते हैं कि हम कंप्लीट करंट अफेयर्स आपको दें। चलिए, तो एनवायरनमेंट इकोलॉजी से शुरू करेंगे बात, और हमारा पहला स्लाइड क्या आने वाला है ये देखिए यहाँ पर। और यहाँ पर बात हो रही है यूरोपियन यूनियन की। तो यूरोपियन यूनियन टू रिड्यूस न्यू कार एमिशन। तो यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि 2030 तक हम ऐसी कारें बनाएंगे जो 37.5% कार्बन का उत्सर्जन कम करेगा आज की कारों में। मतलब आज जो कार प्रोड्यूस हो रही हैं, और 2030 में जो कार प्रोड्यूस होंगी, तो 2030 वाली कार जो है वो आज की कार से 37.5% लेस कार्बन का उत्सर्जन करेंगी। तो आइए बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं पॉइंट, क्या पॉइंट हमारे सामने है। तो बस यही बात हो रही है, यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि 2030 तक हम ऐसी कार को प्रोड्यूस करेंगे जो कि 37.5% लेस कार्बन डाइऑक्साइड को एमिशन करेगी, उत्सर्जन करेगी। और कब तक? 2030 की बात यहाँ पर हो रही है, इनका टारगेट है। तो आपने बात समझ ली, यूरोपियन यूनियन 2030 तक ऐसी कारों का प्रोडक्शन करेगा जो 37.5% कम कार्बन का उत्सर्जन करेंगी, ताकि इकोलॉजी जो हो वो यूरोपियन यूनियन की प्योर होती जाए। चलिए, तो ये पॉइंट हमने आपको बता दिया, और आई होप कि कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, 37.5% वाला पॉइंट आपको याद रखना है। तो हम आगे बढ़ते हैं, और आपको हम थोड़ा यूरोपियन यूनियन के बारे में इन्फॉर्मेशन देते हैं। यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ब्रसल्स में है, और ब्रसल्स बेल्जियम की कैपिटल है। और गाइस, यूरोपियन यूनियन, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ नाटो, यूरोपियन यूनियन, नाटो एंड स्विफ्ट, इन तीनों का हेडक्वार्टर एक ही जगह पे है, तो आपको इसे याद करना चाहिए। यूरोपियन यूनियन, नाटो एंड स्विफ्ट, इन तीनों का हेडक्वार्टर ब्रसल्स में है, ये चीज़ आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद बात करें तो मेंबर स्टेट 28 स्टेट हैं, ब्रिटेन अलग हो जाएगा तो 27 ही बचेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, ये कई बार पूछा गया है, तो डोनाल्ड टस्क है, ये आप याद कर लीजिए, और तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर हम बात करते हैं आपके फॉर्मेशन की, तो यूरोपियन यूनियन का 3 बार ट्रीटी साइन हुआ है, एक 1958 में, एक 1993 में, और एक 2009 में। लिस्बन, मैस्ट्रिक और रोम, 3 बार इसकी ट्रीटी साइन हुई है, ये भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये आई होप आपको याद हो गया होगा। हम शुरू करते हैं आगे अपने नेक्स्ट पार्ट की। तो यहाँ पर मैप के थ्रू आपको हम दिखा रहे हैं यूरोपियन यूनियन के बारे में, ये पूरा यूरोपियन यूनियन है, आप इसे चाहें तो मैप के थ्रू देख सकते हैं, जो हमने यहाँ पे दिखा दिया। तो लगभग सारे देश हैं, यहाँ पर पोलैंड भी है, यहाँ पर आप पोलैंड को भी देख पा रहे हैं। तो पोलैंड को मैं हाईलाइट क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज आपको पता है कि राइट नाउ पोलैंड में अभी क्या हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पेरिस COP24 हुआ था। तो COP24 हुआ था, ये पॉइंट याद करना है आपको, ठीक है। चलिए,
तो देखिए, पेरिस क्लाइमेट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। ऐसे देश जिन्होंने पेरिस क्लाइमेट को माना, ऐसे देश जिन्होंने नहीं माना, हम उसकी बात करें तो यूनाइटेड स्टेट की बात कर लें अभी और सीरिया की बात कर लें, ये ऐसे देश हैं जिन्होंने पेरिस क्लाइमेट को नहीं माना, ठीक। और अगर हम बात करते हैं तो देखिए, अगर हम बात करें तो रेक्टिफाइड 146 कंट्रीज ने पेरिस क्लाइमेट को मान लिया है, 48 कंट्रीज ने इस पर साइन किया है, अभी इंप्लीमेंट नहीं किया है। और नॉट साइन की बात करें तो देखिए, यहाँ पे तीन कंट्रीज हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं, क्योंकि अभी हमको बता कि पोलैंड में क्या हुआ था, COP24 हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पेरिस एग्रीमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, बिकॉज ये इस साल का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था और एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो पेरिस एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो देखिए, ये देख लीजिए, तो ये एग्रीमेंट जो है ये यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है, जहां पर एक टारगेट रखा गया है कि हमें 2020 तक के जो हमारा ग्लोबल टेम्परेचर है उसे 2 डिग्री सेल्सियस कम करना है और हमें लेस कार्बन का उत्सर्जन करना है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको है। इसके बाद देखिए, टोटल 195 कंट्रीज ने सिग्नेचर किए हैं, 195 कंट्रीज ने सिग्नेचर किए हैं, फिर से देखिए यहाँ पर, और 146 ने रेटिफाइड किया हुआ है कि हाँ हमने मान लिया, ठीक। तो 195 कंट्रीज सिग्नेचर कर चुके हैं, 2016 से ये इफेक्टिव हो चुका है। और अगर बात करें इसका लोकेशन कहाँ पे है, यूएस में है, तो यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से एक बार यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने मरीन पोल्यूशन, मरीन का मतलब होता है इनके जो कोस्टल एरियाज हैं, ओशियन जो है, तो मरीन पोल्यूशन को कम करने के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाने का फैसला कर लिया है। यूरोपियन यूनियन ने सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन लगाने का फैसला कर लिया है, क्यों? मरीन पोल्यूशन को रोकने के लिए। मरीन पोल्यूशन आप समझ रहे होंगे, तो सिंगल यूज प्लास्टिक, जैसे फॉर एग्जांपल हम प्लेट्स की बात करें, कटलरी की बात करें, तो इनका यूज यूरोपियन यूनियन बंद करने वाला है। आइए देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए है यहां पर। देखिए, तो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एंड द यूरोपियन पार्लियामेंट एग्रीड टू बैन ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक इंक्लूडिंग प्लेट्स, कटलरी, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ इन अ बिट टू कट मरीन पॉल्यूशन, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन यहां पर दी थी। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, इसमें कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मरीन पॉल्यूशन को रोकने के लिए ये पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद क्या, देखिए यहां पर कुछ प्लास्टिक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो प्लास्टिक है क्या, इसको सबसे पहले इन्वेंट कहां किया गया, क्या क्या, कौन कौन पर्सन इसमें इंपॉर्टेंट है इसके एवोल्यूशन में, आइए उसकी बात करते हैं। देखिए, तो वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली सिंथेटिक प्लास्टिक वॉज बैकेलाइट, यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्वेंटेड इन न्यूयॉर्क इन 1907। तो 1907 में प्लास्टिक को खोजा गया था बैकेलाइट के नाम पर, और लियो बैकलैंड जो है ये क्या है, इन्होंने प्लास्टिक वर्ड दिया था सबसे पहले। हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो देखिए, नोबेल विजेता है हरमन स्टॉन्डिंगर, इनको द फादर ऑफ पॉलीमर केमिस्ट्री बोला जाता है, ठीक। आगे देखें, और हरमन मार्क है, इनको द फादर ऑफ पॉलीमर फिजिक्स बोला जाता है। तो प्लास्टिक के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमने आपको दी। और माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, तो ये प्लास्टिक के डस्ट होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में रहते हैं और जो हमको बहुत बहुत बीमार कर सकते हैं, ठीक। और नोवा के बारे में हमने आपको पहले भी इंफॉर्मेशन दी है, यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने माइक्रोप्लास्टिक को डिफाइन किया है। थोड़ा डीप की इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मे बी हमें पढ़ना पड़ जाए, हमें एटलीस्ट नॉलेज तो होनी चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो प्लास्टिक से कौन कौन से डिसीजेज होते हैं वो यहाँ पर लिखे गए हैं, आप भी देख लीजिए कितना खतरनाक है प्लास्टिक का यूज़ करना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कॉन्फ्रेंस समिट एंड मीट की बात करेंगे, जो यहाँ पर स्लाइड आपको दिख रही है, और यहाँ पर नाइन्थ, ये याद रखना पड़ेगा वो नाइन्थ इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया ज्वाइंट कमीशन मीटिंग हेल्ड। तो नौवीं इंडिया और रिपब्लिक ऑफ कोरिया की एक ज्वाइंट मीटिंग हुई है, कहां पर हुई है उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए, कोरिया से कौन आया, कोरिया के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं हमारे देश में, और जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर से बैठेंगे, मिलकर बात करेंगे। तो ये बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग है, यहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर या उनके प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग नहीं है, तो इमेज देख के कंफ्यूज मत होइएगा। तो नाइन्थ इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मतलब साउथ कोरिया की बात हो रही है, इनकी एक मीटिंग हुई है जहां पर दोनों देशों के संबंधों को आगे बढ़ाने की बात हुई है। तो आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। पहला, नाइन्थ एडिशन है, ये याद कर लीजिएगा, इंडिया एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया ज्वाइंट कमीशन कहां पर हुई, दिल्ली में हुई। तो ये भी अब इंपॉर्टेंट हो गया है, आपसे पूछा जाएगा नाइन्थ इंडिया एंड कोरिया का जो ज्वाइंट कमीशन हुआ वो कहां पर हुआ, वो कहां पर हुआ, दिल्ली में हुआ। और देख लीजिए यहां पर, देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज एंड फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर ऑफ साउथ कोरिया कैंग क्यूंग वा इनका नाम है, ये लोग क्या करेंगे, मीटिंग में चेयर होंगे, मतलब इनकी आपस में बात होगी। तो आपको ये मालूम चली गया कि हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर कौन है, तो ये सुषमा स्वराज जी हैं, और साउथ कोरिया की फॉरेन मिनिस्टर कौन है, तो ये आपको नाम मालूम चल गया, कैंग क्यूंग वा। तो ये इनके बीच में मीटिंग होगी, मतलब नाइन्थ
इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ज्वाइंट कमीशन की मीटिंग कहाँ पर हुई, न्यू दिल्ली में हुई, और ये फॉरेन मिनिस्टर इसमें अहम रोल प्ले करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको हम थोड़ा साउथ कोरिया की ज्योग्राफिकल पोजिशन दिखाते हैं कहाँ पर ये है। तो साउथ कोरिया आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पे साउथ कोरिया जो है वो एग्जिस्ट करता है। कैपिटल सियोल आपको पता है, करेंसी वॉन है, वॉन नॉर्थ कोरिया की भी करेंसी है और साउथ कोरिया की भी करेंसी है, ठीक। अच्छा, प्रेसिडेंट की बात करें तो प्रेसिडेंट है मून जा इन और प्राइम मिनिस्टर है लीक नाक योन, ठीक। हमने सारी इन्फॉर्मेशन दे दी। इनके प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का नाम भी याद करना पड़ेगा बिकॉज ये दोनों लोग इंडिया में आए थे, तो जो विजिटर्स हैं उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये सब तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देते हैं। देखिए, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इस मिनिस्ट्री को फाउंड किया गया था 1946 में, और इसके ऑफिस होल्डर कौन है, सुषमा स्वराज जी हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ये आपको पता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि एक मिनिस्ट्री की स्कीम आपको जरूर समझाऊं, तो यहां पर आज हम पढ़ेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्कीम जिसका नाम क्या है, समीप स्टूडेंट एंड MEA इंगेजमेंट प्रोग्राम, और MEA का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो समीप हम एक स्कीम की बात करने जा रहे हैं, ये स्कीम क्या है देखिए, तो हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है उनका ये मानना था कि हमारे देश के जो बच्चे हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट हैं, इनको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के अचीवमेंट एज वेल एज ये कैसे वर्क करते हैं, वर्किंग प्रोसेस जानना बहुत जरूरी है। तो एक स्कीम चलाई गई जहां पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल्स कॉलेज गए, स्कूल्स गए और वहां पर अपने अचीवमेंट के बारे में एंड एज वेल एज अपने काम करने के तरीके के बारे में बच्चों को समझाया। तो समीप इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं यहां पर, हम ट्राई करते हैं कि आपको हम हमेशा कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे पाए जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हो। तो यहां पर समीप के बारे में बात हो रही है, प्रोग्राम के बारे में देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ आउटरीच प्रोग्राम इज टू फैमिलियराइज स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट इन इंडिया अबाउट फंक्शनिंग ऑफ MEA। तो ये चीज आपको हमको मालूम चल गई। इट ऑल्सो सीक टू इंट्रोड्यूस देम टू की एलिमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एंड इट्स सक्सेस स्टोरीज। वही मैं जो बात कर रहा था कि भाई क्या अचीवमेंट है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, वो भी बच्चों को जानना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, डेज और इवेंट की बात करेंगे। और यहाँ पर UAE ने डिक्लेयर किया है 2019 एज द ईयर ऑफ टॉलरेंस। तो UAE ने 2019 को सहिष्णुता का वर्ष घोषित किया है। आपको पता भी होगा कि यहाँ पर टॉलरेंस समिट भी हुई थी। तो आइए बात करते हैं किसने घोषित किया, उसकी बात करने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो UAE के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है शेख खलीफा नायान। इन्होंने डिक्लेयर किया है 2019 को एज द ईयर ऑफ टॉलरेंस सेलिब्रेट करने का। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी और ये बोला गया द ईयर ऑफ टॉलरेंस विल फोकस ऑन 5 मेन पिलर्स, ठीक है, उसकी बाद में करेंगे जब ये 5 मेन पिलर्स आ जाएंगे। तो UAE प्रेसिडेंट शेख खलीफा नायान है, आपको ये मालूम चल गया, और इन्होंने घोषित किया है 2019 को टॉलरेंस जो आपका है, ये टॉलरेंस के ईयर ऑफ टॉलरेंस घोषित किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी, हमेशा की तरह आपको स्टैटिक पॉइंट हम जरूर दिखाएंगे। तो यहाँ पर हम UAE के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, कई बार दे चुके हैं। कैपिटल आबू धाबी है, करेंसी दिरहम है, प्रेसिडेंट खलीफा बिन जायद अल नहयान है और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तून है। तो ये आपको याद हो गया होगा, कई बार आपको मैं बता चुका हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको UAE की ज्योग्राफिकल कंडीशन दिखाते हैं, मे बी आपको इस तरह नाम क्लियर ना हो, मैं आपको एक हाईलाइट कर दे रहा हूँ। देखिए ये है UAE जो आपको येलो दिख रहा है, ये है UAE, आप यहाँ पर देख लें। UAE के बगल में ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, यमन है और इधर इस साइड देखिए ईरान भी है। तो ये UAE की ज्योग्राफिकल पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में जो आप देख पा रहे हैं। छोटा सा देश है लेकिन डेवलपमेंट के मामले में काफ़ी आगे जा चुका है। चलिए इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी, आगे बढ़ते हुए हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट की। और यहाँ पर दो दो लोगों के अपॉइंटमेंट हुए हैं सेम ही कंपनी में और इनके नाम क्या है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। देखिए तो एक कंपनी है कैप जेमिनी, ये फ्रांस की कंपनी है, इसके बारे में समझ लीजिए। कैप जेमिनी फ्रांस की कंपनी है और इसका मेन वर्क क्या होता है, जैसे मान लो मैं अपनी बात करूँ, अगर मुझे अपनी कंपनी खोलनी है और मुझे एक टॉप का चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए, एक टॉप का मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए, तो मैं इनसे कंसल्ट कर सकता हूँ कि आप मुझे वो प्रोफेशनल्स दीजिए, बदले में आपको हम क्या देंगे, हम कमीशन देंगे। और अगर मुझे कुछ बिजनेस के बारे में भी इनसे राय लेनी है तो ये मुझे राय दे सकते हैं, मतलब ये बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं और ये टॉप के प्रोफेशनल्स की सप्लाई भी करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको मैंने कैपजेमिनी कंपनी के बारे में बताया, फ्रांस की कंपनी है। तो इसने क्या किया है, इसने अपॉइंटमेंट किया है श्रीनिवास कंडुला का एज द चेयरमैन, आप देख पा रहे हैं, और अश्वनी यर्डी का एज द CEO। तो आइए बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं क्या क्या पॉइंट आपको समझने हैं। देखिए
कैपजेमिनी की बात करें, इन्होंने श्रीनिवास कंडुला को अपॉइंट किया है एज द चेयरमैन ऑफ द कैपजेमिनी इंडिया, एज वेल एज अश्वनी यर्डिल को इन्होंने अपॉइंट किया है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कैपजेमिनी इंडिया। आई होप कि ये दोनों नाम आपने लिख लिए होंगे। ये दोनों अपॉइंटमेंट का पॉइंट था। हम आगे बढ़ते हैं और आपको कैपजेनी इंडिया के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। देखिए तो कैपजेनी जो है ये फ्रांस की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है जो कि मल्टीनेशनल प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करती है एंड बिजनेस कंसल्टिंग कॉरपोरेशन भी है। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है जो आप देख पा रहे हैं। कैपजेनी के बारे में तो इसके दो अपॉइंटमेंट हमने आपको बता दिए हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। इन दोनों के नाम क्या है? श्रीनिवास कंडुला और अश्विनी यर्ड। तो आपने नोट्स बना लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने एक स्लाइड की जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए जो कि रेलवे, आरपीएफ, जीडी कांस्टेबल या इस लेवल के एग्जाम की बात करते हैं। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि टॉप के कंपनीज के सीईओ या एमडी का नाम आपसे पूछा जाता है। तो हमने एक लिस्ट बनाई है जो भी इंपॉर्टेंट है, लिस्ट ऑफ सम इंपॉर्टेंट कंपनीज एंड इट हेड आप यहाँ पर देख सकते हैं। एसेंचर है, आदित्य बिरला ग्रुप है, एडोब सिस्टम है। हम आपको अल्फाबेट के थ्रू ये धीरे धीरे और भी देते रहेंगे। तो ये आप स्लाइड देख लीजिए, इसे याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हुए देखिए हम और भी आपको कंपनीज के डेजिग्नेशन वाले जो एमडीसी हैं उनके नाम यहां पर दे रहे हैं, तो ये भी आपको पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपॉइंटमेंट की जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। नागेश्वर जो है, नागेश्वर अपॉइंटेड सीबीआई एडिशनल डायरेक्टर। तो नागेश्वर जी सीबीआई के एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं, आप यहां पर इनकी इमेज देख पा रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या क्या पॉइंट आपको समझने हैं वो देखते हैं। देखिए तो ऑन 18 दिसंबर द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट प्रमोटेड एम नागेश्वर राव टू द रैंक ऑफ द एडिशनल डायरेक्टर। तो एडिशनल डायरेक्टर के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है, लेकिन प्रेजेंट में इनकी कंडीशन क्या थी हम उसकी बात भी कर लें। देखिए यहां पर तो एट प्रेजेंट ही इज होल्डिंग द पोस्ट ऑफ इंटरिम सीबीआई डायरेक्टर, और ये अभी इंटरिम सीबीआई डायरेक्टर भी हैं। इंटरिम का मतलब होता है कम समय के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, जो फिक्स ना हो। तो अभी ये इंटरिम सीबीआई डायरेक्टर हैं और इन्हें एडिशनल डायरेक्टर का भी पोस्ट दिया गया। तो ये इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी। नाम क्या है? एम नागेश्वर राय। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। तो सीबीआई के वर्क क्या है आपको ये पता होगा क्योंकि ये हमारे देश का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है। तो ये देखिए यहाँ पर सीबीआई क्या करता है। देखिए ये एक इन्वेस्टिगेट एजेंसी है जो कि इकोनॉमिक क्राइम्स, स्पेशल क्राइम्स, केस ऑफ करप्शन एंड अदर हाई प्रोफाइल केसेस को डील करता है। द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज द प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। इसको बनाया गया 1941 में एज द स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका मोटिव है इंडस्ट्री इम्पार्टियलिटी इंटीग्रिटी। एजेंसी एग्जीक्यूटिव है राकेश अस्थाना, ये स्पेशल डायरेक्टर है सीबीआई के। और अगर बात करें कि किसके सीबीआई किसके अंडर में आता है तो सीबीआई आता है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के अंडर में। ठीक, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी। आगे बढ़ते हुए आपको और भी इन्फॉर्मेशन देते जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर मर्जर और एक्विजिशन की बात होगी। चलिए तो यहां पर बहुत लोग बैठे हुए हैं, अभी एमसीक्यूज भी आएंगे, आपको एमसीक्यूज भी पढ़ने हैं। ठीक है, चलिए मर्जर एक्विजिशन की बात करें तो ये हम पहले बात भी कर चुके हैं। तो आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट जो है, जो कंपनी थी, इनका मर्जर पूरा कंप्लीट हो गया है। ये जो कैपिटल फर्स्ट है ये आईडीएफसी की एक सब्सिडी कंपनी थी जो कि पूरी तरह से आईडीएफसी बैंक में मर्ज हो गई है। तो आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट आपको समझना है। तो आईडीएफसी बैंक और कैपिटल फर्स्ट का मर्जर कंप्लीट हो गया और मर्जर के बाद IDFC का नाम भी चेंज हो गया। और इसका नाम क्या हो गया? आफ्टर द मर्जर IDFC बैंक का नाम चेंज होकर IDFC फर्स्ट बैंक हो चुका है। तो ये भी आपको इन्फॉर्मेशन याद रखनी है। IDFC बैंक ये यही बैंक है जो 2014 में लाइसेंस मिला था IDFC बैंक और बंधन बैंक को एक साथ। 2014 में विमल जालान कमेटी बनी थी जिसने न्यू बैंक लाइसेंस बांटे थे। हमारे देश की 27 टॉप कंपनीज ने अप्लाई किया था लेकिन सबको पीछे छोड़ते हुए बंधन बैंक को और IDFC बैंक को केवल बैंक का लाइसेंस मिला था 2014। कमेटी का नाम विमल जालान कमेटी, ये भी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इसका नाम हो चुका है। आगे बढ़ते हुए अब बात करते, देखिए वी वैद्यनाथन इज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द मर्ज एंटिटी। तो ये मर्ज होने के बाद एम वैद्यनाथन जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं इसके, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के। ठीक, और आगे अगर बात करें तो राजीव लाल जो है, जो पहले एमडी और सीईओ थे, ये बन गए हैं पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द मर्ज एंटिटी। तो राजीव लाल बने हैं पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये रिसेंटली अभी कुछ चेंज हुआ है और रिसेंटली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इसे याद जरूर करिएगा, कौन बना है एमडी सीईओ और कौन बना है पार्ट टाइम नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन।
और आई होप कि आप मेरी बात समझ रहे होंगे क्या आपको किस पॉइंट पे फोकस करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और IDFC बैंक के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दें। देखिए 2014 में लाइसेंस मिला और 2015 में इन्होंने अपनी फंक्शनिंग शुरू कर दी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और MD CEO थे राजीव लाल, जो मैं बता रहा था, लेकिन अब MD CEO कौन हो जाएंगे तो ये देख लीजिए फिर से, M वैद्यनाथन यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ बैंकों के CEO MD की बात करते हैं। देखिए गवर्नमेंट बैंकों के तो MD CEO के नाम मिल जाते हैं इजिली, लेकिन प्राइवेट बैंक के MD CEO के नाम मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट बैंकों के MD और CEO के नाम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे एक्सिस बैंक की बात कर लें, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, बंधन बैंक, कैथोलिक सीरियन बैंक, सिटी यूनियन बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, धनलक्ष्मी बैंक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके बाद देखें इक्विटस, ESAF, फेडरल, फिनकेयर, HDFC, ICICI, इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, चलिए तो वो इन्फॉर्मेशन कंप्लीट। हम आगे बढ़ते हैं और साइंस एंड टेक पर बात करने वाले हैं और इसरो की एक और उपलब्धि हो गई। इसरो ने GSAT-7A सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया। देखिए जब भी आप किसी सैटेलाइट के बारे में पढ़ें तो आपको कौन कौन से पॉइंट ध्यान देने होते हैं। सबसे पहला पॉइंट कि जिस सैटेलाइट की आप बात कर रहे हैं वो कैसी सैटेलाइट है, मतलब कम्युनिकेटिंग है या किसी और पर्पज के लिए बनी है। दूसरी बात, इसे कहां से छोड़ा गया, इसे कहां से प्रक्षेपित किया गया, यह जानना बहुत जरूरी है। और तीसरी बात कि ये किस लॉन्च व्हीकल से, किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या पॉइंट हमको समझने हैं। पहले तो सैटेलाइट का नाम, क्या नाम है, GSAT-7A। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए तो इसरो GSAT-7A सैटेलाइट वॉज लॉन्च इन टू द ऑर्बिट फ्रॉम श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। तो आपको अपने पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि इसे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से लॉन्च किया गया। दूसरी बात करते हैं तो GSAT-7A को GSLV-F11 रॉकेट से प्रक्षेपित किया गया, ये आप देख लीजिए। तो GSAT-7A को लॉन्च किया गया है GSLV-F1 रॉकेट, F11 रॉकेट से आपको आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अब बात करते, देखिए GSAT-7A इसका वेट यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्या है, ये एक तरह की कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि स्ट्रेटेजिक फील्ड के लिए बनाई गई है और कम्युनिकेशन भेजती रहेगी, हाईटेक कम्युनिकेशन। देख लीजिए तो GSAT-7A एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दी। तो आपको आपके तीसरे तीनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे मिल गया, जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो हम यहाँ पे इसरो की बात कर रहे थे। देखिए तो अगर हम इसरो की बात करें तो इसरो का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको हमने कई बार दिया है। इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु, आपको ये याद करना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ डायरेक्टर कौन है, KC1, आपको ये भी याद करना बहुत जरूरी है। इसरो की अपनी सब्सिडियरी कंपनी कौन सी है, तो देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको बता दी कि आपको किस किस पॉइंट को ध्यान देना होता है, तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसरो के अंडर में जो कौन कौन सी फैसिलिटीज हैं, कहां कहां पर हैं, उसकी बात कर लें। तो देखिए इसरो सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में है, ये मैं पहले भी इंफॉर्मेशन आपको दे चुका हूं। लेबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम बेंगलोर, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा, एंड थम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम, तो ये भी आपको ध्यान देना है। चलिए तो ये इंफॉर्मेशन हो चुकी होगी, आपने इसे पढ़ भी लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं और आपसे बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। और नेक्स्ट स्लाइड जो है ये ऑर्बिटरी पर है, थोड़ा सा शोक वाली बात है जो आपको हम बता रहे हैं। तो नेपाल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम है तुलसी गिरी, इनका निधन हो गया, बड़े दुख की बात है, इनका निधन हो गया। और ये नेपाल में दो बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, जब नेपाल में राजाओं का, किंग का शासन होता था। तो ये नेपाल के दो बार प्राइम मिनिस्टर हैं, दो बार। ये दो बार कब हुए हैं, आइए इसकी इंफॉर्मेशन आपको हम देते हैं। देखिए तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल तुलसी गिरी का निधन हो गया काठमांडू में, ये देख लीजिए। और ये दो बार प्राइम मिनिस्टर नेपाल के रह चुके हैं, एक बार 1962-64 और एक बार 1975-1977। और कोई इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री जिनका निधन हो गया उनका नाम बताएं, तो नाम क्या है, तुलसी गिरी। और सेकंड क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपसे कि तुलसी गिरी जी का निधन हो गया, वो किस फील्ड से बिलोंग करते थे, तो पॉलिटिशियन थे। तो ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछते हैं आपसे। चलिए तो इस बार के जो 2018 के जो मेन पर्सनालिटी की डेथ हुई है, हम उसकी पूरी कंप्लीट लिस्ट आपके लिए लेकर आए हैं, आप पूरी लिस्ट यहां पर देख सकते हैं। और ये लिस्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑर्बिटरी से एक क्वेश्चन तो बनेगा, तो बार बार रिविजन करने के लिए आप क्यों जाएं? हमारे करंट अफेयर्स में आपको हम बहुत सारे टॉपिक का रिवीजन कराते हैं, जो आप यहां पर देख पा रहे हैं। देखिए तो पहली स्लाइड थी, ये दूसरी स्लाइड, यहां पर भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज को आपको यहां पर दिया हुआ है, ये भी आप देख लेंगे। और इसके बाद हम पढ़ेंगे बिजनेस इकॉनमी पर, जहां पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे। यहां पर क्या है कि RBI स्केल अप लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, तो RBI जो है मार्केट में हमारे देश में पैसे को बढ़ा रहा है, इन्फ्यूज कर रहा है। इन्फ्यूज का मतलब पैसा डालना,
आपको आपको मैंने पढ़ाया था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बोला था कि वो 40,000 करोड़ रुपए मार्केट में डालेगा थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए मार्केट में 50,000 करोड़ रुपए डाले हैं थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है आपको शायद ये पता होगा, तो आइए बात करते हैं यहां पर कि क्या पॉइंट हमको पढ़ना है वो देख लीजिए। देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन्फ्यूजन बाई 10,000 करोड़ टू 50,000 करोड़, तो 50,000 करोड़ रुपए मार्केट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये डालेगा। इसकी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। इट अर्लियर अनाउंस दैट इट विल इन्फ्यूज लिक्विडिटी अमाउंटिंग ऑफ रुपीज 40,000 करोड़, लेकिन अब ये 50,000 करोड़ रुपए हो चुके हैं। और वैसे भी आरबीआई के नए गवर्नर ज्वाइन कर चुके हैं, और आरबीआई के नए गवर्नर जो हैं ये एनडीए गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट भी करते हैं, और एनडीए गवर्नमेंट को पता है कि 2019 में इलेक्शन आने हैं, और 19 में इलेक्शन आने हैं तो उन्हें बहुत सारे पैसे चाहिए फॉर डेवलपमेंट वर्क, और ये पैसे कहां से आएंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्टिन्यूस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेशर दे रही थी कि पैसे दो पैसे दो, और रिजर्व बैंक कह रही थी कि जो पैसे हमारे पास हैं वो हम मुश्किल समय के लिए बचा के रखें। यही लड़ाई थी और यही लड़ाई सामने आई, और अंत में हमारे गवर्नर को रिजाइन देना पड़ा। तो नए गवर्नर आए हैं तो ये डेफिनेटली ये मार्केट में पैसे डालेंगे, और मैं आपको बता रहा हूं 2019 जो है ये हमारे देश में गेम चेंज करेगा हमारी इकॉनमी का। देख लीजिएगा, मोदी गवर्नमेंट रहे या ना रहे, जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको बहुत सारा पैसा डालना पड़ेगा हमारे देश में। तो नए नए इंडस्ट्रीज ओपन होंगे, बैंकिंग इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होना ही होना है, ये तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन की। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे में आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल या परचेस करके पैसे को बढ़ाती है घटाती है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन मॉनेटरी पॉलिसी में मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको। तो यहां पर देखिए कुछ हमने समझाया है कि अगर इकॉनमी को आगे बढ़ाना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों से सिक्योरिटीज परचेस करती है और पैसा इनको देती है, और अगर आरबीआई को इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपनी सिक्योरिटी सेल करती है और इनसे पैसा ले लेती है। यहां पर फिगर समझाया गया, तो ये फिगर भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है जो आप देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशन में जिन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल या परचेस करती है वो दो होते हैं, या तो वो कैश मैनेजमेंट बिल होते हैं और या तो वो ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये दो होते हैं। तो कैश मैनेजमेंट बिल और ट्रेजरी बिल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। कैश मैनेजमेंट बिल का मैक्सिमम मैच्योरिटी होता है 90 डेज मैक्सिमम, मतलब इसकी मैच्योरिटी लेस देन 91 डेज होती है। और जो ये आपका ट्रेजरी बिल होता है ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है 91 डे, एक होता है 182 डे, यहाँ पे लिखा नहीं है, और एक होता है 364 डे। तो इनकी मैच्योरिटी तीन तरह से होती है। तो अगर आपको ये सब पढ़ना है तो मनी मार्केट की मेरी क्लास देख लीजिए, मैंने यूट्यूब पे ली हुई है, वहां पर मैंने इसे पढ़ाया हुआ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं यहां पर। देखिए तो मॉनेटरी पॉलिसी कुछ रेट्स, इन्फ्लेशन 3.69, ये आपका CPI है, ठीक, रिटेल इन्फ्लेशन, CRR 4%, SLR 19.5%, रेपो रेट 6.5% एंड रिवर्स रेपो रेट 6.25%, ये भी आपको याद करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेशनल अफेयर्स की। तो नेशनल अफेयर्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट अप्रूव न्यू टूरिस्ट रूट इन लद्दाख। तो लद्दाख में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दो नए टूरिस्ट मार्गों को मंजूरी दे दी है। अब ये रूट कौन से होंगे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको हम आगे दे रहे हैं। देखिए यहाँ पर द होम मिनिस्ट्री, देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि किस मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया, तो होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया। तो होम मिनिस्ट्री अप्रूव न्यू टूरिस्ट एंड ट्रैकिंग रूट इन द लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो होम मिनिस्ट्री पहले इंफॉर्मेशन हमको यहां पे मिल गई। आगे बढ़ते हैं, देखिए द प्रपोज्ड रूट इंक्लूड द, यहां पे देखिए मेरक लेमा बेंट, मतलब घुमाओ रास्ता होगा, एंड सेकेंड इज चुसुल करसंगला माहे। तो ये दो रूट है जिसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दे दी है, जो कि होम मिनिस्ट्री ने अप्रूव कर दिया लद्दाख में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, और अगर बात करें द प्यांग डोकला हुंडर डोक हुंडे इज वन ऑफ द प्रपोज ट्रैकिंग रूट, और ये प्रपोज ट्रैकिंग रूट में एक है। तो थोड़ा सा नाम याद करना टफ लग रहा है मुझे, देख लीजिएगा, आप लोग तो रॉक स्टार हैं, आप लोग तो कर लेंगे इसे, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कुछ स्टडी पॉइंट की बात कर लें जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। कैपिटल स्टेट लैंग्वेज स्टेट एनिमल स्टेट फ्लावर, गवर्नर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं है, और वैसे भी कल रात में गवर्नर का टाइम खत्म हो गया और राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है, आपको ये पता भी है जम्मू कश्मीर, है ना। चलिए स्टेट बर्ड नेशनल पार्क सब कुछ हमने बताया है, जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क याद करने की ट्रिक यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं मेरे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारा स्टैटिक पॉइंट अबाउट जम्मू एंड कश्मीर। आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा कुछ मेजर माउंटेन पासेस की बात करते हैं, वैसे आपको ये क्लियर नहीं होगा तो कभी नेक्स्ट करंट अफेयर्स क्लास में मैं आपको पासेस का कहाँ कहाँ पे है वो मैं आपको एक यहाँ पे स्लाइड दे दूंगा। ठीक है, तो इससे आपको और क्लियर हो जाएगा।
चलिए तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर की, और यहाँ पर एचआरडी मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो एचआरडी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया कला संगम। कला संगम, देखिए ये कला संगम क्या है, तो हमारे देश में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं और नवोदय विद्यालय हैं, उनके जो फैकल्टीज हैं, जो टीचर हैं, जो आर्ट एंड कल्चर में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको परफॉर्मेंस दिखाने का एक प्लेटफॉर्म है ये कला संगम। तो कला संगम एचआरडी मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया, पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि भाई कला संगम को किसने ऑर्गेनाइज किया, किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज किया, कहाँ पर किया और किसके लिए किया, ये सब आपको समझना होता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो संगीत कला संगम वॉज ऑर्गेनाइज बाई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, संगीत कला संगम प्रोवाइड अ नेशनल प्लेटफॉर्म, नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म फॉर द आर्ट एंड म्यूजिक टीचर ऑफ केंद्रीय विद्यालय एंड द नवोदय विद्यालय। तो सारी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है, जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। तो आगे बढ़ते हुए थोड़ा केंद्रीय विद्यालय के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। केवीएस जो आप लोग जानते हैं, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन की हम बात कर रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट 1963, स्कूल बोर्ड ये सीबीएसई के अंडर में आता है। अथॉरिटी की बात करें तो इसका सीधे अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के अंडर में आता है, और कमिश्नर कौन है, तो एस के माल है, ये आईएएस है, तो एस के माल जो है ये कमिश्नर है, ये आप देख पा रहे हैं किसके, केंद्रीय विद्यालय संगठन के। और आगे बढ़ते हुए नवोदय विद्यालय की बात करें, तो नवोदय विद्यालय को राजीव गांधी ने फाउंड किया था। एक पॉइंट यहां पर देखिए, इसका मोटो क्या है, यहां पे लिखा हुआ है एस्टैब्लिशमेंट 1986 और सीबीएसई बोर्ड चलता है इसमें। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी है। अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात कर लें, हेडक्वार्टर दिल्ली में है इसका। ठीक, मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल तो प्रकाश जावड़ेकर मिनिस्टर ऑफ एचआरडी हैं, आपको कई बार हमने इंफॉर्मेशन दी है। और डिप्टी मिनिस्टर कौन है, सत्यपाल सिंह है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एजुकेशन, ये चीज भी याद कर लीजिएगा, कभी कभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अवार्ड एंड ऑनर की बात करते हैं। यहाँ पर सोनम कपूर की बात हो रही है, सोनम कपूर को पेटा इंडियंस पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। पेटा के बारे में भी पहले भी इंफॉर्मेशन आपको दे चुके हैं, तो सोनम नेम्ड पेटा इंडियाज पर्सन ऑफ द ईयर, बड़े खुशी की बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो सोनम कपूर को पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है, इनके एनिमल एडवोकेसी एफर्ट्स के लिए। ठीक, देखिए तो अगर हम बात करें तो सोनम कपूर की बात तो हमने कर ली, तो पेटा ने इसके पहले अनुष्का शर्मा, शशि थरूर, हेमा मालिनी और अदर्स को ये अवार्ड दे चुके हैं पहले भी, तो ये इन्फॉर्मेशन तो मतलब आपको नहीं समझना है, नहीं याद करना है। तो सोनम कपूर का नाम आपको याद होना चाहिए, वैसे भी आप लोग को याद होगा, आपके इंटरेस्ट की चीज़ है, ये एक्ट्रेस है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं पेटा के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। तो पेटा जो वर्ल्ड वाइड संस्था है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो 1980 में खोजा गया, इसका हेडक्वार्टर वर्जीनिया यूएस में है और इसके प्रेसिडेंट हैं इनग्रिड न्यूकर्क। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनग्रिड न्यूकर्क इसके प्रेसिडेंट हैं। तो आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट याद कर लेंगे आप आज के आज। आगे बढ़ते हुए अवार्ड एंड ऑनर की बात करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट अवार्ड अनाउंस की बात हो रही है। मतलब हमारे देश में ऐसे एक्सपोर्टर जो कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए हैं, जो हैंडीक्राफ्ट से बने सामान को एक्सपोर्ट करते हैं, उनको अवार्ड बांटा गया। स्मृति ईरानी जी ने इनको अपने हाथों से अवार्ड बांटे। तो ये देखते हैं क्या इसका पूरा मतलब है। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल स्मृति ईरानी, बहुत सारे बच्चों को यह नहीं पता होगा, बहुत सारों को पता भी होगा, तो स्मृति ईरानी के पास कौन सी मिनिस्ट्री है, तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल हैं ये। ठीक, तो इन्होंने अवार्ड बांटे हैं हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स को फॉर देयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द एक्सपोर्ट फॉर द ईयर ऑफ 2015-16 एंड 16-17। तो 15-16 के लिए और 16-17 के लिए इन्होंने हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर को अवार्ड बांटे हैं। टोटल 136 एक्सपोर्टर को अवार्ड बांटे गए हैं, ये आप देख पा रहे हैं। टोटल 136 किसने अवार्ड बांटा, तो मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स स्मृति ईरानी जी ने। तो 136 एक्सपोर्टर को अवार्ड मिला, ये आप देख पा रहे हैं। आइए देखते हैं, देखिए तो 70 अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं फॉर द ईयर ऑफ 2015-16 एंड 66 अवार्ड बांटे गए हैं फॉर द ईयर ऑफ 16-17। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमने आपको एक्स्ट्रा थोड़ी सी दी है, ताकि अगर क्वेश्चन घुमाए तो आपको कम से कम ये याद होना चाहिए कि 15-16 के लिए कितने अवार्ड बांटे गए हैं और 16-17 के लिए कितने अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो ये पॉइंट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको हम देना चाह रहे हैं यहाँ पर। देखिए तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में है। ऑफिस होल्डर की बात करें तो स्मृति ईरानी मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, और अजय टमटा मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। तो ये देख लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, स्टेट मिनिस्टर कौन है, अजय टमटा है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और कुछ पॉपुलर स्कीम के बारे में अगर हम बात कर लें तो इनकी पॉपुलर स्कीम यहाँ पर दी हुई है, तीन स्कीम के बारे में हमने आपको बताया हुआ है, एक स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, एक पावर टैक्स इंडिया स्कीम और एक अमेंडेड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम। चलिए तो ये सब याद कर लीजिएगा आज की आज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक बड़ी प्यारी इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं यहाँ पर. यहाँ पर हम बता रहे हैं पॉपुलर GI टैग इन हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी. तो हैंडीक्राफ्ट कैटेगरी में किसको किसको GI टैग मिला है हम उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे रहे हैं. पूरी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, आपके ऊपर है. अभी तक हम लोगों ने कंबाइंड GI टैग आपको दिखाया था, अभी हमने केवल हैंडीक्राफ्ट का GI टैग आपको दिखाया है ताकि आपको मालूम चल जाए कि किस किस स्टेट से कौन कौन सा प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट का है वो GI टैग में आया है. देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे. गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करेंगे और यहाँ पर शिक्षा सेतु एप्लीकेशन की बात हो रही है जो हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है. शिक्षा सेतु एप्लीकेशन, तो ये एप्लीकेशन कैसे वर्क करेगा तो आइए आपको दिखाते हैं. बड़े सिंपल भाषा में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो हरियाणा गवर्नमेंट ने शिक्षा सेतु एप्लीकेशन लॉन्च किया है और इस एप्लीकेशन में द ऐप विल प्रोवाइड स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन ऑन अटेंडेंस फी, ऑनलाइन एडमिशन एंड स्कॉलरशिप ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस. तो गवर्नमेंट कॉलेज की फीस क्या है, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, ऑनलाइन एडमिशन, अटेंडेंस, पूरी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे आपको मिल जाएगी. तो ये बड़ी अच्छी पहल है हरियाणा गवर्नमेंट की, इन्होंने शिक्षा सेतु एप्लीकेशन लॉन्च किया है. ठीक है, द ऐप विल प्रोवाइड इंस्टेंट अपडेट ऑफ इंपॉर्टेंट नोटिस सर्कुलर. ठीक है, तो जो भी नोटिस या सर्कुलर नया आता है उसके बारे में भी ये ऐप आपको नोटिफिकेशन भेजता रहेगा. चलिए अच्छी बात है. तो इस साल के जो इंपॉर्टेंट स्कीम है, जैसे शिक्षा सेतु एप्लीकेशन है, वैसे ही हमने इस साल के जो नए नए एप्लीकेशन, नए पोर्टल, नई स्कीम है वो आपको एक चार्ट में दे दी है. जैसे मो बस सर्विस, ये हमने पढ़ा है अपने करंट अफेयर्स में. तो करंट अफेयर्स जो हमारा शुरू से पढ़ा है, महिला ई हार्ट की बात कर ले, अरुणाचल शिक्षा ऐप की बात कर ले, हमने सारे ये सब पढ़े हुए हैं और ये सब जरूरी हैं क्विक रिवीजन करने के लिए. नेक्स्ट स्लाइड देखिए, यहाँ पर भुवनेश्वर मी वाईफाई, इंडियन विंड टर्बाइन और युवा शंकर, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है. तो इसे आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी इस साल के पूरे करंट अफेयर्स की. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं. एक स्लाइड और यहाँ पर आ रही है और इस स्लाइड में भी आपको हमने इन्फॉर्मेशन दी है पूरी इस साल की स्कीम की. ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हुए एक स्लाइड और आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. ये सब आप अपने PDF से पढ़ लीजिएगा. बहुत सारे बच्चे PDF को कंप्लेन कर रहे हैं, PDF पे हम वर्क कर रहे हैं, हमारे साइड से लिटरली कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर हम सर्वर की बात करें, हमने डाउनलोड किया हुआ है, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, आई होप कि ये ठीक हो गया होगा अभी तक. चलिए हरियाणा के बारे में कुछ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कई बार हमने आपको दी है. तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, गवर्नर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कैपिटल, ये सब आपको याद करना ही करना है. चलिए आगे बढ़ते हैं और रिपोर्ट और इंडिसेस की बात करते हैं. तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जेंडर गैप इंडेक्स लॉन्च हो गया है और इसमें इंडिया की रैंक कितनी है, टॉप पे कौन है, दो पॉइंट आपको हमेशा ध्यान देना होता है किसी भी इंडेक्स में. किसने लॉन्च किया ये तो सबसे जरूरी है. तो आप देखिए यहाँ पर, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लॉन्च किया है एक इंडेक्स जिसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट. और इसमें इंडिया की कंडीशन तो खराब होनी ही होनी है. देखिए तो एज पर द रिपोर्ट इंडिया वॉज 108th place, 108वें स्थान पर इंडिया है और टॉप किसने किया है, आइसलैंड ने किया है. तो जेंडर गैप का मतलब आपको मेल और फीमेल के बारे में क्लियर हो रहा होगा ये चीज़. तो इंडिया की रैंक तो खराब होनी ही होनी है, आइसलैंड जो है वो टॉप पर है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. ठीक है, चलिए इस बार के जितने भी इंडेक्सेस आए हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन हमने आपको दी है. इंडिया की रैंक क्या है, टॉप पे कौन है, ये याद कर लीजिएगा. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. चलिए तो आगे बढ़ते हैं और आपको हम फिर से कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन दिखाते हैं. देखिए फिर से एक स्लाइड जहाँ पर फिर से हम कुछ इंडेक्स की बात करेंगे. इंडेक्स, इंडिया की रैंक, टॉप पे कौन है, फिर से इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है. ये सब याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा आज के आज. ठीक है, एक और देखिए यहाँ पे. तो तीन तीन चार स्लाइड में हमने आपको पूरी कंप्लीट इस साल की इन्फॉर्मेशन दी हुई है. बड़े सिंपल वे में आप इसे याद कर सकते हैं. ठीक, देखिए अब पॉलिटी की बात करते हैं और यहाँ पे सरोगेसी बिल की बात हो रही है. आई होप कि आपको सरोगेसी का मतलब पता होगा. तो सरोगेसी बिल जो है लोकसभा में पारित किया गया, ये क्या है इसके बारे में आगे बढ़ते हैं. देखिए तो लोकसभा ने सरोगेसी बिल 2016 को पारित कर दिया है और क्या इस बिल में बोला गया है वो देख लीजिए. इन्होंने बोला, द बिल इज अमेंड एट प्रोहिबिटिंग कमर्शियल सरोगेसी एंड अनइथिकल प्रैक्टिस रिलेटिंग टू इट. तो हमारे लोकसभा ने क्या बोला है कि जो आजकल जो ये बिजनेस हो गया है सरोगेसी का, यह नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए. या बिजनेस मतलब कमर्शियल रूप से जुड़ा हुआ कोई सरोगेसी केस आएगा तो उस पर स्ट्रिक्ट डिसीजन लिया जाएगा. ठीक है, और क्या बोला है, इट परमिट सरोगेसी ओनली फॉर कपल हु कैन नॉट कन्विंस अ चाइल्ड. ये केवल उन जोड़ों के लिए वैलिड है जिनको बच्चे नहीं हो सकते हैं, ये उनके लिए. ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ रहे हैं, याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा. आगे बढ़ते हैं और
आपसे पार्लियामेंट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। हम सुनते हैं पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है, क्योंकि हमको पता है कि पार्लियामेंट 24/7 काम नहीं करता, 12 मंथ नहीं चलता। तो ये कौन कौन से सेशन में चलता है उसकी बात कर लें, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है अगर हम इस देश के नागरिक हैं। तो पार्लियामेंट 3 सेशन में डिवाइड है, एक है बजट सेशन, एक है मानसून सेशन और एक है विंटर सेशन। तो बजट सेशन चलता है फरवरी 2 में, मानसून जुलाई 2 सितंबर एंड विंटर नवंबर 2 दिसंबर। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं टाइमिंग क्या है। तो टाइमिंग है 11 से 1 PM और अगर लंच के बाद 2 से 6 PM का टाइमिंग होता है हमारे पार्लियामेंट में सेशन का। तो 3 सेशन में चलता है हमारा पूरा पार्लियामेंट, जो हमने आपको यहां पर दिखा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब आज के पहले एमसीक्यूज की, जो आपके सामने यहां पर आ चुके हैं। आइए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है और आपस में अगर बातचीत खत्म हो गई हो तो जरा सा थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पर। तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट ऑपरेशन फॉर मुंबई इंडियंस ऑन 18 दिसंबर। वेरी सिंपल क्वेश्चन और मुझे लगता है कि सारे बच्चे इस क्वेश्चन का सही आंसर देने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर बातचीत हो गई हो तो आ जाओ भाई, चाय वाय पी लिया तुम लोगों ने तो। और यहाँ पे चेतना का पहला आंसर आया है, ठीक है, जहीर खान, देविका बोल रही हैं। तो क्या इसका आंसर है? जी हाँ, जहीर खान इज राइट आंसर, आपको पता है, वेरी गुड, आप लोग बड़े तेज होंगे पढ़ने में। चलिए आगे दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट हैज द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ 2 new AIIMS ऑन 17 दिसंबर। तो 2 new AIIMS बनाए जा रहे हैं, वो किन किन स्टेट में बनाए जा रहे हैं, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर पता होना चाहिए क्या इसका आंसर है। तो ये भी आपको पढ़ाया गया है और आंसर क्या होगा इसका? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, तेलंगाना एंड तमिलनाडु। तेलंगाना और तमिलनाडु में 2 new AIIMS बनाए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप लोग बड़े अच्छे बच्चे हो गए हैं और सही आंसर दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, वेरी गुड मीरा बिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। हाउ मैनी डेस्टिनेशन हैव बीन आइडेंटिफाइड बाई द टूरिज्म मिनिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट अंडर द रामायण सर्किट। तो रामायण सर्किट में कितने डेस्टिनेशन को सेलेक्ट कर लिया गया है ये आपको बताना है। ये हम कल पढ़ भी चुके हैं और सही आंसर आना भी चाहिए। सही आंसर इसका क्या है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 15। तो 15 जो है वो सही आंसर है, आप यहाँ पर दे पा रहे हैं, 15 new circuits को खोजा गया है। चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर ये रहा। What is the name of the coffee table book released by the Prime Minister Narendra Modi on 18 December? तो नरेंद्र मोदी द्वारा जारी कॉफी टेबल पुस्तक का नाम क्या, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम चल रहे हैं, क्या इसका आंसर होगा ये आपको बताना है। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, टाइमलेस लक्ष्मण। टाइमलेस लक्ष्मण इज राइट आंसर और यहाँ पे सबके सही आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, वेरी गुड। और यहाँ पर जसप्रीत सिंह भी हैं जो बहुत अच्छे बच्चे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड द मोस्ट डिस्टेंट बॉडी एवर ऑब्जर्व इन आवर सोलर सिस्टम विच हैज बीन गिवन द प्रोविजनल डेजिग्नेशन ऑफ 2018 VGA 18 एंड निकनेम इज। तो इसका निकनेम क्या है, कल मैंने आपको पढ़ाया था ये, और क्या इसका आंसर होगा ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, फैंटास्टिक आंसर तो आ रहे हैं। और क्या इसका आंसर होगा? एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, फार आउट इज राइट आंसर, जो आप यहां पे देख पा रहे हैं, वेरी गुड, फैंटास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्रीज हैव मेड इट टू द ऑस्कर शॉर्टलिस्टेड इन द डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी इन 2018। तो अगर हम बात करें तो कौन से वृत्त चित्र ने लघु विषय वित्त चित्री श्रेणी में ऑस्कर शॉर्टलिस्ट में अपना स्थान बनाया है, ये आपको बताना है। क्या इसका आंसर होगा? हमारे पास 5 ऑप्शन है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस इज राइट आंसर। जी बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। चलिए, Which of the following act is being amended to provide legal backing for the issuance of mobile SIM through Aadhaar? तो ये आपको मैंने कल पढ़ाया था कि आधार के माध्यम से मोबाइल सिम जारी करने के लिए कानूनी समर्थन प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम संशोधित किया जा रहा है। यहां पर हमारे सामने 5 ऑप्शन है, सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, टेलीग्राफ एक्ट इज राइट आंसर। चलिए वेरी गुड। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज When is the International Migration Day observed? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है ये आपसे पूछा गया है। हमारे सामने 5 ऑप्शन है और हमें सही आंसर को चूज करना है। एंड आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 18 दिसंबर। 18 दिसंबर इज राइट आंसर, जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 18 दिसंबर सही आंसर है, वेरी गुड।
आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए. द लोकसभा हैज पास द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट बिल ऑन 17 दिसंबर. द बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा इन विच ईयर. तो सबसे पहली बार ये बिल लोकसभा में कब पेश हुआ था, ये आपसे पूछा गया और ये मैंने पढ़ाया आपको. आपको सही आंसर चूज करना है इसका. सही आंसर क्या होना चाहिए इसका, एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 2016. तो 2016 सही आंसर है, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. वेरी गुड, आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो विच कंट्री विल इंट्रोड्यूस इट्स ओन टैक्स ऑन लार्ज इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी कंपनीज फ्रॉम 1 जनवरी 2019. और मैंने आपको इसका नाम भी बताया था, इसका नाम क्या है, है ना. तो चलिए क्या इसका आंसर होगा, किस देश ने बड़ी इंटरनेट कंपनीज पर एक टैक्स इम्पोज किया है जो कि 1 जनवरी से लागू हो जाएगा, और इस कंट्री का नाम क्या है. इस कंट्री का नाम है ऑप्शन नंबर 2, फ्रांस. फ्रांस इज राइट आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं. देखिए, CCEA has given its in principle approval for setting up the Eklavya model residential school for tribals in every block with more than how many percent scheduled tribes population and at least 20,000 tribal person. तो क्या इसका आंसर होगा, ये आपको बताना है. आपको पता है इसका आंसर क्या होना चाहिए, कल हम पढ़े थे इसके. और इसका आंसर है, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 50%. 50% इज राइट आंसर जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. अ 220 मेगावाट यूनिट ऑफ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कैगा एटॉमिक पावर स्टेशन हैज क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन फॉर हाउ मेनी डेज. तो भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम की कैगा परमाणु बिजली घर में विकसित 220 मेगावाट क्षमता की एक इकाई ने निरंतर कितने दिन से ज्यादा परिचालन में रहकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, ये आपसे पूछा गया है. और हमारे पास यहाँ पे 5 ऑप्शन है, सही आंसर क्या होने वाले. एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 9941. तो 941 दिन तक कॉन्टिन्यूस काम करके इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश किया है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है. तो इसका आंसर भी सही आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. With which country has India inked 4 pact including the areas of cooperation in culture, agribusiness and information technology and easy facilitation of visa on 17 December? और ये तो बड़ा simple question है, I hope कि आपको याद भी होगा. And the answer is, ऑप्शन नंबर 3, Maldives. तो मालदीव सही आंसर है, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं. देखिए, The student and faculty of educational institutions in which of the following countries will be facilitated to register and use the Swayam course. तो ये आपको मैं कल पढ़ा चुका हूँ और आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर है. तो आपको पता है, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, अफगानिस्तान. अफगानिस्तान इज राइट आंसर जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आपसे. देखिए यहाँ पर, Who has become the Vice President of the Federation of Indian Chamber of Commerce and Industry for the year 2018-19? तो फिक्की के Vice President कौन अपॉइंट हुए, ये आपसे पूछा गया है और आपको इसका आंसर पता भी है क्योंकि कल मैंने पढ़ाया है. इसका सही आंसर क्या होने वाला है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, उदय शंकर. और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं आपके सामने. यहाँ पे देखिए, In a first experimental test pilot and test engineer of the Indian Air Force flew an आपको नाम बताना है मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यूजिंग ब्लेंडेड बायोजेल जेट फ्यूल ऑन 17 दिसंबर. तो क्या इसका नाम होगा, पहली बार प्रायोगिक परीक्षण पायलट और भारतीय वायुसेना के परीक्षण अभियंता ने 17 दिसंबर को मिश्रित बायोजेट ईंधन का उपयोग करके किस एयरक्राफ्ट को सैन्य परिवहन विमान उड़ान भरी, ये आपको बताना है नाम से क्या है. और इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर एक नया क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है. एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, AN-32. तो AN-32 ने उड़ान भरी है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. 76 हु अमंग द फॉलोइंग विल रिसीव द सेसिल बी डिमिल अवार्ड एट द 76 एनुअल ग्लोबल गोल्डन अवार्ड. तो आपको इसका आंसर देना है, क्या इसका आंसर होने वाला है. एंड द आंसर यहाँ पे आ चुका है जेफ ब्रिजेस, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये मैंने पढ़ाया था आपको, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं. हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ऑन 17 दिसंबर. तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन अपॉइंट हुए हैं, ये आपको बताना है. वी हैव 5 ऑप्शन एंड यू हैव टू चूज राइट वन. और सही आंसर क्या होगा इसका, ये देख लीजिए आप लोग, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. एंड द आंसर इज माधवी दीवान. माधवी दीवान इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर. आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं. फिर से एक नया क्वेश्चन आपके लिए.
The railway will give a discount of how much percent on the extent haulage rate per 20 feet equivalent unit on the transport of empty container as well as empty flat container wagon. तो रेलवे खाली कंटेनरों के परिवहन के साथ साथ खाली फ्लैट कंटेनर वैगन के परिवहन पर प्रति 20 फुट समतुल्य इकाई की मौजूदा ढुलाई दर पर इतना परसेंट का छूट देगी, ये आपको बताना है. क्या इसका आंसर होगा? चलिए देखिए और बताइए कि आपको ये याद है कि नहीं याद है. क्वेश्चन 19 की बात हम कर रहे हैं और सही आंसर क्या होगा इसका, एंड द राइट आंसर इज 25%. 25% इज राइट आंसर. ठीक है, बिल्कुल सही. और आते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे. हमारा लास्ट क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर देखिए. पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक हैज लॉन्च द प्रहरी स्कीम इन विच स्टेट ऑन 14 दिसंबर. तो प्रहरी स्कीम की बात करें तो किस स्टेट ने या यूटी ने इसे लॉन्च किया, ये आपको बताना है. यहाँ पर 5 ऑप्शन हमारे सामने हैं एंड द राइट आंसर इज, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दिल्ली. दिल्ली सही आंसर है. तो ये था हमारा आज का करंट अफेयर शो जिसे हमने कंप्लीट कर लिया. आई होप कि आपको इस क्लास से फ़ायदा मिलेगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी. और जो भी असाइनमेंट के लिए मैं बोलता हूँ कि इसे आज का आज ख़त्म करना है तो उसे आज का आज ख़त्म कर लीजिए, आपके नॉलेज में ये इंक्रीज़ अपने आप होता रहेगा. रिवीजन वाली क्लास बहुत अच्छी है हमारी, आप चाहें तो आप हमारे एमसीक्यूज़ का रिवीजन भी कर सकते हैं अच्छे से. तो खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए. और भूलिएगा नहीं, शाम को 5 बजे हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एमसीक्यूज आ रहा है जिसे आपको जरूर लेना है. और कल हम बात करने वाले हैं अगस्त महीने के एमसीक्यूज की. कल के शाम के एमसीक्यूज में कुछ आंसर रॉन्ग थे तो वो मैं आपको कल क्लेरिफाई कर दूंगा. बिकॉज होता क्या कि 101 क्वेश्चंस बनते हैं तो स्लाइड बनने में मेबी स्लाइड जो बनाता है उससे ऊपर नीचे कुछ आंसर्स हो जाते हैं, तो उसमें उसके लिए हमें माफ़ करिएगा. हम ट्राई करेंगे कि हमसे गलती ना होने पाए. ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए, हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करिए. जिद किया है सिलेक्शन का तो जिद करिए, है ना. हमेशा अपने अंदर एक एटीट्यूड रखिए, आई एम वॉट आई एम, मैं जो हूँ मैं वो हूँ. हो सकता हो कि मैं उतना टैलेंटेड ना हूँ लेकिन मैं लगा हुआ हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ, तैयारी कर रही हूँ और मैं सिलेक्शन लेके रहूँगी. ये जो एटीट्यूड है ना वो अपने अंदर आना है और जिस दिन ये आ गया है ना वो रिफ्लेक्ट होगा. और हम सच बता रहे हैं कि हम सिलेक्शन ले या ना ले लेकिन हाँ हमारे अंदर एक जिद आ जाएगी कि नहीं यार हम अचीवर हैं, हमें कुछ तो करना है लाइफ में. हम बेकार घर पे बैठकर पिताजी की और माताजी के हाथों से बनी रोटी नहीं खा सकते, हमें बाहर निकलना है, हमें कुछ करना है अपने लिए. सिलेक्शन तो ठीक है लेकिन हमें एक सक्सेसफुल इंसान बनना है, हमें अपना नाम बनाना है. ये एटीट्यूड होगा ना तो कोई भी काम आप कर लोगे. ये तो खैर बैंक का एग्जाम या एसएससी रेलवे का है. अभी आपको हो सकता हो ग्रेड बी की बात करें, हो सकता हो आप ग्रेड ए की बात करें सिविल सर्विस, तो ये आई एम व्हाट आई एम, ये एटीट्यूड हमेशा अपने अंदर रखिए. थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं आपसे शाम को 5 बजे. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए और धमाल मचाइए. थैंक यू सो मच गाइस.